नमस्कार प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर अमरोहा से है। गंगा धाम तिगरी में दीपदान। यूपी में अमरोहा जनपद के गंगा धाम तिगरी में लगने वाले ऐतिहासिक कार्तिक पूर्णिमा मेले को कोरोना महामारी के चलते सरकार द्वारा रोक लगा दी गई थी। इसके साथ ही दीपदान पर भी रोक लगाई गई थी, लेकिन बाद में यूपी सरकार ने दीपदान की अनुमति दे दी थी। आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक श्रद्धालुओं ने गंगा जी में दीपदान किया। अमरोहा के तिगरी धाम पर लगने वाले कार्तिक पूर्णिमा मेले पर कोरोना वैश्विक महामारी की गाइडलाइन के मुताबिक श्रद्धालुओं को दीपदान की अनुमति दी गई। इस दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन पैनी नजर बनाए हुए था। इस दौरान किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए गंगा घाटों पर पीएसी और गोताखोरों की भी तैनाती की गई थी। कोरोना महामारी के चलते गंगा में स्नान करना प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन दीपदान के लिए जनता को कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए दीपदान करने की अनुमति दी गई थी। प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक ही दीपदान की सरकार ने अनुमति दे रखी थी। प्राइम न्यूज 24 के लिए अमरोहा से काविंद्र सिंह की रिपोर्ट। दान की अनुमति गंगा धाम में कराने की प्रदान की गई है। उसी के क्रम में आज अमरोहा जिला पुलिस प्रशासन द्वारा कोविड-19 के जो हमारा प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग सभी लोग मास्क लगा के सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए स्नान करें, ये यहाँ पर सुनिश्चित कराया जा रहा है। और जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, सबसे हमारी अपील की जा रही है कि आप लोग मात्र दीपदान करें और आचमन करके अपने अपने घरों की ओर। देखिए, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लोग और फिर यहाँ से वापस लौट जाए। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से फील्ड में सुबह से ही लगा हुआ है। हमारे यहाँ पर 3 जोनल मजिस्ट्रेट और 8 सेक्टर मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं। इसके अलावा पुलिस की पर्याप्त तैनाती की गई है, जिससे हम लोग इस सुनिश्चित कर रहे हैं। अच्छा सर, कोरोना वैश्विक महामारी के चलते इस पर मास्क वगैरह का भी जो है लगाने का कहा गया है शासन की ओर से, सैनिटाइजर वगैरह के लिए यहाँ पर सर ऐसा नजर आ रहा है। देखिए, मास्क लगा करके लोग यहाँ पर आ रहे हैं। बाहर हम लोग जहाँ पर हमारी पार्किंग की व्यवस्था की गई है, वहाँ से सुनिश्चित कराया जा रहा है कि सभी लोग मास्क लगा के अंदर हैं और मात्र 2 लोगों को ही आने की अनुमति दी जा रही है।